ठहरा थे यहाँ। ये आपका एसआर एसकेएम रेजिडेंसी, एसकेएम रेजिडेंसी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल गैलेक्सी मोटर एडवेंचर। बड़े दिनों बाद आप लोग से मुलाकात हो रही है, तो कैसे हैं आप सब? होप करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज का ये जो व्लॉग मैं शुरू कर रहा हूँ, ये है चेन्नई से। अभी मैं चेन्नई में हूँ, तो अभी यहाँ से तो एटलीस्ट बहुत दिन पहले मैं आया था, लेकिन कुछ काम था वजह, उसके वजह से कोई व्लॉग नहीं बना। तो आज यहाँ से मैं कोलकाता जा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत चेन्नई आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगा। तो यहाँ एक दरगाह है, कोलम दरगाह, बहुत फेमस है यहाँ का, समुंदर के पास ही में है। तो वहाँ जाएंगे और दरगाह ज़ियारत करेंगे, आप लोग को भी दिखाएंगे। और फिर वहाँ से मेरा फ़्लाइट आज शाम को 7:30 बजे कोलकाता के लिए है, तो वापस बैक टू पवेलियन होना है। तो बस आज का दिन यही ऐसे ही चेन्नई में थोड़ा बहुत इधर उधर करके कटेगा, तो आप लोग को भी चेन्नई घुमाते हैं थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है। तो चैनल में बने रहिएगा ज़रूर। ये अपना रूम था, अभी रूम बिखरा पड़ा हुआ है, अभी रूम देखने लायक नहीं है, लेकिन रूम बहुत अच्छा था। और अच्छा था रूम दो आदमी के लिए, गद्दा मेन, गद्दा कंफर्टेबल था बहुत, गद्दा में मज़ा आया। और ये रहा वॉशरूम, वॉशरूम भी नीट एंड क्लीन, बहुत ही अच्छा था। तो मिला जुला के बहुत ही अच्छा स्टे रहा है यहाँ पे। रात में ही सिर्फ आया था मैं, करीबन 9:30 बजे आया, और अभी निकल जाना है, ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। ब्रेकफास्ट करके अभी यहाँ से निकलेंगे, तो चैनल में बने रहिएगा ज़रूर। ये है यहाँ का कॉरपोरेशन, बहुत ही अच्छा लग रहा, कोई महल है। ये एरिया पेरिया पिट, हमें जाना है इस तरफ। अभी एक रेस्टोरेंट है बुहारी होटल, यहाँ बहुत अच्छा खाना मिलता है सुना, लेकिन मैंने ट्राई नहीं किया। यहाँ पे एक बड़ा मस्जिद है पेरिया मेट में, यहाँ सब दुकान है, ये शायद स्टेडियम है या कुछ है, लेकिन ऊपर लिखा हुआ तमिल में नहीं आता मुझे, शायद स्टेडियम ही होगा। तो जिनको पता है वो कमेंट करे जरूर। हम लोग ठहरे थे यहाँ, ये आपका एसआर एसकेएम रेजिडेंसी, एसकेएम रेजिडेंसी आपके पेरिया मेट में, कॉर्पोरेशन के पीछे में, पीछे साइड मेट्रो के पास, मेट्रो के सेंट्रल रेलवे स्टेशन के पास 300 मीटर है। 300 मीटर है, रेकमेंडेड प्लेस, बहुत अच्छे भाई है, सैयद बुहारी भाई, बहुत ही हेल्पफुल है। आप लोग आए तो यहाँ रुकिएगा ज़रूर, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, लेकिन बस दिल से प्यार से बोल रहे हैं। तो अभी यहाँ से अभी हम लोग निकल रहे हैं, और बस यही बोलना था आपको, एक छोटा सा इंफॉर्मेशन। लिफ्ट में चढ़ गए, अब उतर रहे नीचे, सामान यहाँ है अपना, गर्मी लेकिन बहुत, एक फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर में जाना, लेकिन यहाँ ये लिफ्ट में आराम है, लेकिन टाइम बहुत लगता है उतरने में। ये बाहर निकले कहीं है भाई, ये चाबी ले लीजिए, चेक कर लीजिएगा क्या। चलिए चलते हैं, अस्सलाम वालेकुम। चलिए हो गया अपना आज का स्टे, यहाँ निकलते हैं। बिस्मिल्लाह, बाहर में गाड़ी खड़ी हो क्या, छाता भाई, छाता लेना बहुत ज़रूरी है। धूप देख रहे हो, कैमरा में समझ में आएगा ना कि नहीं, लेकिन बहुत धूप है, गर्मी बहुत। यहाँ से निकल रहे, ये था होटल एसकेएम रेजिडेंसी, अच्छा होटल। ये अपनी गाड़ी खड़ी है, इसी में जाना है। तुम्हें
अपनी गाड़ी में बैठ के बात करते हैं। यह रहा ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन। भैया ये रेड वाला बिल्डिंग क्या हॉस्पिटल था क्या पहले? हाँ भैया ये हॉस्पिटल था पहले क्या? ओके चेन्नई सबर्बन टर्मिनल लोकल ट्रेन के लिए स्टेशन है। रेलवे स्टेशन और ये है चेन्नई सेंट्रल स्टेशन। बहुत ही आराम है। अगर आप पेरियापेट में कोई होटल में ठहरते हो तो वॉकिंग डिस्टेंस होता है यहाँ से, आप आराम से पैदल चल सकते हो, कोई परेशानी नहीं है यहाँ। तो अभी हम लोग आए हैं यहाँ एलिट शॉप में। शॉप का तो बाहर नाम दिखा देंगे आप लोग को। अभी आए हैं यहाँ पर ही, बहुत ही अच्छा फ्रेगरेंस है यहाँ। तो अभी यहाँ सारा कलेक्शन है। अभी आप सर को बताए हैं कि क्या चाहिए मुझे, तो वो अभी दिखाएंगे। यहाँ पर ही ख़रीदना है, यहाँ पर सारा फ्रेगरेंस इम्पोर्टेड भी आपको मिल जाएगा। और ये भाई पेड नहीं है, जस्ट आप लोग को इन्फॉर्मेशन के लिए दिखा रहे हैं। सारा आपको डीओ वगैरह अतर सब कुछ मिलेगा। ये सबको टेस्टिंग करा रहे हैं। अल्कोहल फ्री? अल्कोहल या विदाउट अल्कोहल? आई वांट विदाउट अल्कोहल। अतर अरविंद स्टाइल ये चार अतर है, 100 rupees, 120, 160 का दिया। ये डेविड ऑफ कूल वाटर्स तो परफ्यूम तो सबको पता ही होगा, उसका ये बेस्ट अतर है। ये एक लिया, ये चार लिया, बस हो गया। अब यहाँ से निकलना, कोवलम दरगाह भी जाना है, तो इसीलिए अभी जल्दी करते हैं यहाँ से। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं दरगाह साहबी रसूल हज़रत सैदना तईम अंसारी। ये दरगाह है, इधर सीधा जाइएगा तो बीच है, ये दरगाह का अंदर है। चलिए दरगाह का ज़्यारत करते हैं, फिर आप लोग से मिलते हैं बाद में। तो ये दरगाह के अंदर है, ज़्यारत हमने कर लिया। यहाँ से घुसना पड़ता है, मतलब जाना पड़ता है, यहाँ से भी एंट्री है। यहाँ भी एक दरगाह हज़रत फ़कीर मोहम्मद अरब। और ये दरगाह है, चलिए आपको दरगाह का बाहर से ज़्यारत कराते हैं। ये मेन दरगाह है बाबा का, ये एक तो और दरगाह है, ये पीछे साइड है। यहाँ ये आदमी लोग आराम फरमा रहे थे। हमारा ज़्यारत अल्लाह का हुक्म से बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा तरीके से हो गया। हम लोग निकलेंगे यहाँ से। ये दरगाह का कंपाउंड है, यहाँ से मेन एंट्रेंस है वो, वहाँ से आपको यहाँ आके, ये मेन गेट है,
क्या घुसना पड़ता है। ये कंपाउंड है, इधर वजू खाना है, यहाँ फूल चादर मिलेगा, यहाँ मन्नत का धागा बांधा जाता है। गर्मी काफ़ी गर्मी है, मत बोलिए बहुत गर्मी है, पसीना तो बहुत पसीना निकला। तो अभी हम लोग आ गए हैं कोलम बीच पे, समुंदर दिखाई दे रहा है, नीला नीला पानी, बड़ी मस्त लग रहा है। यहाँ पर ही सी फूड मिल रहा है जो हम नहीं खाएंगे। लेकिन अभी इस टाइम में आना बीच के लिए रॉन्ग टाइम है, क्योंकि बहुत गर्मी है। लेकिन क्या करें, अभी टाइम नहीं है बोल के आ गए हैं देखने के लिए। तो यहाँ पर ही आना था, शाम में आओ मस्त घूम के जाएगा। वहाँ पर ही आदमी लोग फेरी में चढ़ने के लिए खड़ा हो गया है, हवा चल रहा है तो थोड़ा राहत है, नहीं तो वाट लग जाता है। सारा सी फूड मिल रहा है। पूरा एंजॉय कर रहे हैं, गर्मी का मज़ा ले रहे हैं। काफ़ी क्लीन वाटर है, पूरा ब्लू वाटर, पर दीघा का तरह गंदा पानी नहीं है, मिट्टी वाला पानी। बीच में आप देखिए पूरा ब्लू वाटर। बुरा हालत हुआ बीच जाके, लेकिन क्या करें, नहीं जाने से नहीं होता, फिर भी चले गए। अभी हम लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट के लिए, उससे पहले लंच करेंगे, लंच करके चले जाएंगे। ये अब जो देख रहे हैं यहाँ पर ही सॉल्ट का भी कुछ है, सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, सॉल्ट फॉर्मेशन या कुछ फिशरीज भी है, ये सब सॉल्ट, पूरा सॉल्ट फॉर्मेशन। फाइनली एयरपोर्ट पहुंच गए, मुझे अंदर जाना है। और गर्मी मत बोलो भाई, बहुत गर्मी, थोड़ा ऊपर में है तो बोल के हवा चल रहा है। बिफोर टाइम आया गया करीबन 3 घंटा पहले, नहीं तो क्या करेंगे, आगे यहीं पर बैठ के रहेंगे। तो ये रहा एयरपोर्ट, नीचे इस तरफ छोटा चल बाल भी फेर रहा है। एयरपोर्ट के अंदर जाके सब जो कार्रवाई है एयरपोर्ट का, वो कंप्लीट करके फिर आप लोग से एक बार बात करते हैं। तो अभी फिलहाल मैं सिक्योरिटी चेक करा के बैठ के यहीं पर, करीब अभी 5:20 बज रहा है, 7:45 है बोर्डिंग। तो अभी तब तक तो बैठना पड़ेगा, कुछ करना नहीं। तो होप करता हूँ कि आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, जो भी थोड़ा बहुत दिखाने का कोशिश किया है आप लोग देख
देखिएगा ज़रूर। इतना गर्मी था यहाँ, इसके वजह से तो कुछ आप सही से शूट भी नहीं कर पा रहा, बहुत गर्मी है। तो बस ठीक है, आप थोड़ा देर ही बाद फ्लाइट बोर्ड करेंगे, उसके बाद कोलकाता पहुँच के एक बार लास्ट आप लोग से मुलाकात करेंगे, उसके बाद ब्लॉग को एंड से टू कोलकाता। तो फाइनली कोलकाता पहुँच गए हैं सेफली पहुँच गए। तो अभी घर जाएंगे, फिर कल से अपना रूटीन चालू। तो ठीक है, आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, बुक करते हैं। आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, जो आप लोग नहीं करते हैं तो करना ज़रूर अगर अच्छा लगा तो। और चैनल में जो नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर, जो आप लोग नहीं करते हैं तो कीजिएगा ज़रूर। बस आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं।